हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगी इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो में इंफॉर्मेशन और स्क्रिप्टिंग के बारे में कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। दोस्तों आपने मेरी पिछली वीडियो में इंफॉर्मेशन के बारे में तो आपको पता ही होगा क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सी वीडियो में बात की है कि इंफॉर्मेशन कैसे होती है और इसे कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों चलो अब हम बात करते हैं स्क्रिप्टिंग के बारे में कि आपने का इस्तेमाल कैसे करना है अपनी विशेष को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों आज हम स्क्रिप्टिंग के बारे में मैं आपको यही बताऊँ, आप स्क्रिप्ट से ही समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है, एकदम फिल्मी। तो आपने क्या करना है, आप अपनी ज़िंदगी के अपनी लाइफ के खुद ही राइटर बन जाओ, जो जैसी भी आप अपनी लाइफ जीना चाहते हो उसे लिख डालिए। और लिखना ऐसे है कि वो आपके पास है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो चलो मैं अब आपको बताती हूँ कि आपने अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है कि जिससे आपको कोई नौकरी चाहिए, कोई जीवन साथी चाहिए, या आपको कोई घर चाहिए या गाड़ी चाहिए, कुछ भी आपकी विशेज हो, तो वो आपने या आप पूरी अपनी लाइफ भी क्रिएट कर देना चाहते हो कि आपको क्या क्या लाइफ में चाहिए, पूरी ही कहानी भी लिख सकते हो आप। तो आपने कैसे लिखना, एकदम फिल्मी दृश्य जैसे बनते हैं, एक एक बात आपने लिखनी है। तो चलो अब हम बात करते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताती हूँ, घर। जैसे आपको घर चाहिए, आपने क्या देखना है, सबसे पहले आपने जब लिखना है थैंक यू यूनिवर्स, और उसके बाद आप जहाँ कि मैं बहुत खुश हूँ, इतनी पहले आपने ग्रेटिट्यूड करना है कि जैसे कि आपने मुझे बहुत अच्छी लाइफ दी है। तो अब आपने अपना जैसी भी लाइफ चाहिए उसका एक दृश्य बना लीजिए, एक सपना जैसे होता है ना, लेते हैं ना बहुत अच्छे अच्छे सपने कि मेरी लाइफ ऐसे हो ऐसे हो, बस वो ही आपने लिख डालना है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता रही हूँ, घर चाहिए आपको, आपको जितना भी बड़ा घर चाहिए, जिस भी एरिए में चाहिए वो लिख दीजिए कि मेरा घर जहाँ पर है और मेरे घर के इतने रूम हैं और मैं अपने घर को, मेरा घर बहुत सुंदर है, साफ है और मैंने इसे अपने हाथों से बहुत सुंदर सजाती हूँ। मैं अपने घर में मतलब एक रूम से दूसरे रूम जा रही हूँ, अब मैं अपने गार्डन में बैठी हूँ, आप मतलब मैं जहाँ बैठ के चाय पी रही हूँ, मैं अपने किचन में खाना बना रही हूँ, जैसा भी मतलब आप चाहते हो, एक एक बात आपने लिख देनी है अपने जीवन की कहानी। जब आप छोटा छोटा करके भी लिख सकते हो, जब घर चाहिए तो घर के बारे में ही लिखो कि मैं अपने घर में पूरी स्क्रिप्टिंग लिख दो कि मुझे ऐसा घर है, जे वाला कलर है, गाड़ी लेनी है तो गाड़ी के बारे में कर दो कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ, यह आपने ऐसे लिखना है। तो आपने क्या करना है, आप जब अपनी कहानी लिखोगे ना तो पूरे खुश होकर लिखना कि जैसे आपके पास ये चीज़ें हैं, आप अपने ड्रीम हाउस में ही रह रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, तो आपने बिल्कुल खुश होकर लिखना है, अपने सब कॉन्शियस माइंड में ये संदेश पहुँचाना है कि हाँ कि मैं अपने मनपसंद घर में ही रह रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों ये होती है स्क्रिप्ट कि हम अपने लाइफ में जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके बारे में आप स्क्रिप्टिंग की तरह भी लिख सकते हो। तो अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन के बारे में। दोस्तों इंफॉर्मेशन जो होती है वो होती है सिर्फ दो चार शब्दों की या एक लाइन की या डेढ़ लाइन की, इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती। जो स्क्रिप्टिंग होती है वो तो पूरा एक हमारा जो सपना होता है उसका पूरा दृश्य जैसे हम बना लेते हैं, दिमाग में बना लेते हैं ना, वो पूरा वैसे ही लिखना है, एक एक बात लिखनी है कि जैसे मेरे घर का ये कलर है, जहाँ पे मैंने ये वाले फूल लगाए हैं, ऐसे पर्दे लगाए हैं, एक एक बात लिखनी है। और जो इंफॉर्मेशन होती है वो तो मैंने आपको पहले भी बताई होगी, जैसे इंफॉर्मेशन होती है छोटी सी, जैसे मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास एक अच्छा परिवार है, ये होती है इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि इंफॉर्मेशन और स्क्रिप्टिंग आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैसे करनी है। आप
अपनी डायरी में इसे लिख सकते हो आप जो स्क्रिप्टिंग को, और देखना आपकी जो विशेज हैं वो धीरे धीरे सही समय आने पर यूनिवर्स कैसे पूरी करते हैं। बस आपको यूनिवर्स का रोज धन्यवाद करना है और यूनिवर्स को थैंक्स करना है कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतना अच्छा घर देने के लिए। और आपने जो स्क्रिप्टिंग है वो एक बार ही लिखनी है, बार बार नहीं लिखनी है। एक बार लिखकर आप इसे कभी कभी दोहरा सकते हैं, यूनिवर्स को याद दिला सकते हैं कि मुझे जे चाहिए, जे मेरी विशेज है और जल्दी से पूरा कर दीजिए। और जो इन्फॉर्मेशन होती है इसे आप बार बार लिख सकते हो जो मर्जी तकनीक अपना कर। तो चलो दोस्तों, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि स्क्रिप्टिंग और इन्फॉर्मेशन में अंतर, के आपको कैसे क्या लिखना है। थैंक यू।